मैं तरुण वर्मा दिल्ली में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा कि ओसीडी का जो ट्रीटमेंट होता है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी वाला, जिसे ईआरपी कहते हैं, मतलब एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन। इस ट्रीटमेंट से, इस थेरेपी से एक सक्सेसफुली ओसीडी को क्योर करने के लिए, पूरी तरह से मैनेज कराने के लिए किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है और किन ऐसे तथ्यों, किन ऐसे पहलुओं के ऊपर फोकस करके सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक ईआरपी से ओसीडी का ट्रीटमेंट कराया जा सकता है। अक्सर ऐसा होता है कि ईआरपी का ट्रीटमेंट लोग पढ़ तो लेते हैं, उसको लेना तो शुरू कर देते हैं, पर या तो उन्हें समझ नहीं आ पाता या उसे ठीक तरह से ना कर पाने के कारण वे अक्सर उसे बीच में छोड़ देते हैं या उसे उम्मीद छोड़ देते हैं। उम्मीद छोड़ देने की वजह से उनका भरोसा टूट जाता है और उन्हें लगता है कि ओसीडी का ट्रीटमेंट ईआरपी से नहीं हो सकता। जबकि साइकोथेरेपी में जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट देते हैं, उसमें सबसे इफेक्टिव ट्रीटमेंट ओसीडी का या किसी भी तरह की कंपल्शंस का जो होता है वो ईआरपी की मदद से ही होता है। इसलिए आप कितने भी डॉक्टर्स के पास जाएं, कितने भी थेरेपिस्ट के पास जाएं, वो ओसीडी के लिए आपको ईआरपी का ट्रीटमेंट जरूर सजेस्ट करेंगे। तो ईआरपी का जो ट्रीटमेंट है, उसे समझना, उसे इम्प्लीमेंट करना और उसके कई पहलुओं को जानना जरूरी है, जिससे कि इस ट्रीटमेंट की टेक्निक का ज्यादा से ज्यादा फायदा लिया जा सके। तो इस वीडियो में मैं यही बात पर आप पर फोकस करते हुए बताऊंगा कि किन बातों का ध्यान रख के आप सक्सेसफुली ईआरपी का ट्रीटमेंट ले सकते हैं, ताकि इसका फायदा ले सकें और इधर उधर भटकने की बजाय एक ही ट्रीटमेंट पर पूरी तरह से केंद्रित होकर फोकस करके आप बेटर तरीके से इस ओसीडी से बाहर आ सकें। नहीं तो हताश होकर, डिसअपॉइंट होकर, उम्मीद हार के, भरोसा खो के आप कई ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स का इस्तेमाल करोगे, उनको यूज करोगे, उनका उपयोग करोगे, जिसमें कि आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, एनर्जी हीलिंग और भी न जाने किस किस तरह के आप ट्रीटमेंट लोगे, जिनका असर जो है वो बहुत थोड़े से लेकर स्तर तक ही रहता है और वो एक नाकामयाब ट्रीटमेंट साबित होता है ज्यादातर लोगों के लिए। आज तक मेरे पास कोई ऐसा पेशेंट मैंने नहीं देखा जो ये कहे कि मैंने आयुर्वेदा से या होम्योपैथी से पूरी तरह से अपना ओसीडी ठीक किया हो। इसलिए सही ट्रीटमेंट पर फोकस करके रखना और जो वैज्ञानिक फैक्ट्स के साथ जो ट्रीटमेंट दिया जाता है उसको इम्प्लीमेंट करना सबसे जरूरी है, उस पर भरोसा बनाए रखना जरूरी है। सिर्फ इसलिए कि ईआरपी का ट्रीटमेंट कुछ लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होता है या उसको कर पाना बहुत डिफिकल्ट है और वो छोड़ देना चाहिए इस वजह से, इस तरह की सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपका ट्रीटमेंट और मुश्किल हो जाएगा और लंबा आपका ओसीडी खिंचता जाएगा। इसलिए सही तरीके से, अगर सही अप्रोच से अगर ईआरपी को किया जाए, उसको अमल में लाया जाए, तो ईआरपी के बहुत चमत्कारी फायदे हो सकते हैं। कई बार तो एक एक दो दो साल पुराना सिम्टम जो पेशेंट कैरी कर रहा है वो मैंने देखा है कि एक से दो सेशन के अंदर भी दूर हो जाता है, सिर्फ ईआरपी के एक दो सेशन की मदद से, ईआरपी टेक्निक को लगा के। तो बहुत सारे चमत्कारी, जिसे हम कहते हैं कि प्रभाव जो है वो देखे जा सकते हैं ईआरपी के, अगर सही तरीके से इसे अप्लाई किया जाए और पूरी उम्मीद के साथ इसके कुछ पहलुओं को ध्यान में रखकर इस पर भरोसा बनाया जाए। तो अगर आप ईआरपी का ट्रीटमेंट ले रहे हैं या आपने पहले लिया है और अब छोड़ चुके हैं या आप लेने का मन बना रहे हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना बहुत जरूरी है। इसमें दी गई जानकारी पर फोकस करना बेहद आवश्यक है आपके लिए। सबसे पहली चीज जो ध्यान रखनी जरूरी है ईआरपी को अप्रोच करने के लिए, वो ये कि हम साइको एजुकेशनल मटेरियल अच्छे वाला, साइंटिफिक वाला जरूर पढ़ें, जरूर देखें। साइको एजुकेशनल मटेरियल वो होता है जिसके अंदर हम अपने साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के बारे में प्रॉपर एजुकेशन लेते हैं। वो बीमारी क्यों है, उसके क्या कारण है और वो बीमारी किस तरह से दूर हो सकती है, किन कारणों को हम दूर कर सकते हैं दवाओं से या थेरेपी से, कौन से सिम्टम्स पर कितना ज्यादा असर लाया जा सकता है अलग अलग ट्रीटमेंट्स की मदद से, किस तरह से ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए जिससे कि सक्सेसफुली उसको, प्रॉब्लम को ट्रीट किया जा सके, इस तरह के जितने भी सवाल होते हैं, जितने भी ज्ञान, जितने भी नॉलेज की जो चीजें होती हैं, वो लेने का काम साइको एजुकेशन कहा जाता है। तो साइकोलॉजिकल एजुकेशन मतलब साइको एजुकेशन। ये जो मैं वीडियोस बनाता हूं या जो वीडियोस के थ्रू आपको जो जानकारी मिल रही है, ये भी साइको एजुकेशन का ही पार्ट होता है। इसलिए मेरी जो वीडियोस होती हैं वो थोड़ी लंबी और डिटेल्ड होती है, क्योंकि मैं एजुकेट करने के नियत से, मकसद से ये वीडियोस बनाता हूं और एजुकेशन जो है वो थोड़ी लंबी डिटेल्ड लेना ही बेहतर होता है, तभी चीजों की क्लैरिटी आ पाती है। इसलिए अच्छी क्लैरिटी लें, अच्छे तरीके से अपने प्रॉब्लम को, अपने ट्रीटमेंट को और उसके कारणों को और उसके
इलाज के बारे में जानकारी लें और कितनी उम्मीद रखी जा सकती है इलाज से, यह जानना बहुत जरूरी है। तो ये अलग अलग किताबों की, सेल्फ हेल्प बुक्स की मदद से किया जा सकता है। यूट्यूब पे बहुत अच्छे चैनल्स भी हैं कुछ, उनकी मदद से किया जा सकता है। और साथ ही साथ आप अपने डॉक्टर, अपने साइकोलॉजिस्ट या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जिनसे आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं उनसे भी एजुकेट किया जा सकता है खुद को। तो अपने ट्रीटमेंट बीमारी के बारे में जानने के लिए जितना आप उत्सुकता और जितनी आप क्यूरियोसिटी और इंटरेस्ट दिखाएंगे उतना ज्यादा आप ईआरपी जैसे ट्रीटमेंट को पूरा भी कर पाएंगे, ले पाएंगे और सक्सेसफुली उससे अपनी प्रॉब्लम को दूर कर पाएंगे। अगली चीज जो ध्यान देने की है वो ये कि अगर आपने पहले ईआरपी लिया हुआ है ट्रीटमेंट और वो किसी भी वजह से सक्सेसफुल नहीं हुआ, खासकर कि वो जो ट्रीटमेंट है वो कई बार इस वजह से सक्सेसफुल नहीं होता क्योंकि जिन सिम्टम्स पर या जिन बिहेवियर्स को आपने टारगेट किया था थेरेपी के लिए वो या तो बहुत डिफिकल्ट थे दूर कर पाने उस स्टेज पर, या उसके लिए आपने ईआरपी को सही तरीके से नहीं लिया, सही तरीके से उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, या शायद आपके डॉक्टर, आपके जो थेरेपिस्ट थे वो इसे सही तरीके से आपको नहीं करवा पाए, जिस वजह से हो सकता है कि पिछली बार ये ट्रीटमेंट आप पर फेल हो गया हो। बजाय नए नए अलग अलग ट्रीटमेंट की तरफ नजर घुमाने के, बेटर है कि ईआरपी को कैसे बेटर तरीके से लिया जा सकता है, कैसे आप हल्के इजी टारगेट सेट कर सकते हैं, इस पर ध्यान दिया जाए। अक्सर जब ईआरपी का ट्रीटमेंट दिया जाता है तो कंपल्शंस की जो डिस्ट्रेस होती है उसकी एक हायरार्की बनाई जाती है। वो हायरार्की जो है वो सब्जेक्टिव यूनिट्स ऑफ डिस्ट्रेस SUDs के बेसिस पे बनाई जाती है, मतलब कि ये बिहेवियर या ये कंपल्शन परफॉर्म करने में आपको कितना डिस्ट्रेस आता है, या अगर आपको ये कंपल्शन रोकने के लिए कहा जाए तो आपको कितना ज्यादा डिस्ट्रेसिंग होगा, इस बेसिस पे SUD की रेटिंग दी जाती है। अब ये जो SUD की जो रेटिंग है ये बताती है कि आपको कौन सा बिहेवियर पहले अप्रोच करना चाहिए, कौन सा बिहेवियर बाद में अप्रोच करना चाहिए ईआरपी के थ्रू ट्रीट करने के लिए। तो अक्सर क्या होता है, लोग गलत तरीके से टारगेट सेट कर लेते हैं अपनी कंपल्शंस को प्रिवेंट करने के लिए, मतलब रिस्पांस प्रिवेंशन के लिए गलत बिहेवियर चुन लेते हैं, या कई बार बहुत ज्यादा एंजाइटी वाला बिहेवियर चुन लेते हैं जिस वजह से उनको बहुत तेज एंजाइटी हुई होती है और वो अपना ट्रीटमेंट छोड़ देते हैं। अक्सर ऐसा होता है, आप कभी किसी हॉस्पिटल में, प्राइवेट क्लिनिक पे जाते हैं या कहीं भी दूसरे किसी ऐसे इंस्टीट्यूट जाते हैं जहां पर कोई ईआरपी आपको करा रहा है, तो कई बार इंटर्न्स आपको करा रहे होते हैं, जैसे कुछ मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं या कुछ क्लिनिकल साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स होते हैं, अक्सर वो थेरेपी करा रहे होते हैं। ज्यादातर मामलों में तो जो ये स्टूडेंट्स होते हैं वो ट्रेंड होते हैं, उनको नॉलेज पूरी होती है और वो अच्छे से आपको करा सकते हैं, पर कई बार क्या होता है कोई स्टूडेंट, कोई ऐसा इंटर्न जो ट्रेनी होता है वो शायद उस टेक्निक के बारे में या तो अच्छे से जानता नहीं होता है या किसी वजह से उसको तरीका नहीं आता होता है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो थ्योरेटिकली तो बड़े अच्छे से जानते हैं चीजों को, पर जब प्रैक्टिकल करने की बात आती है तो वो शायद इतने अच्छे से लर्न नहीं किए होते हैं, सीख रहे होते हैं, शायद यही अनुभव उनको आगे जाके एक अच्छा थेरेपिस्ट बनाएंगे, पर गलत वजह से, इस वजह से वो ट्रीटमेंट दे सकते हैं, गलत तरीके से हैंडल कर सकते हैं आपके सिम्टम को, जिस वजह से आपको बहुत एंजाइटी हो सकती है, और बजाय इसके कि ईआरपी आपकी एंजाइटी को दूर करे वो आपकी एंजाइटी को कई गुना बढ़ा देती है। इस वजह से कई पेशेंट जो होते हैं वो डर जाते हैं और वो ये सोच के कि ये ट्रीटमेंट तो बड़ा भयानक है, खतरनाक है, हम तो नहीं ले पाएंगे, वो छोड़ देते हैं। उस टाइम वो ये नहीं समझ पाते कि जो ट्रीटमेंट आपको दे रहा है पर्सन वो एक इंटर्न, डॉक्टर, ट्रेनी या एक यंग थेरेपिस्ट हो सकता है। साथ ही साथ अगर उन्हें थेरेपी के बारे में अगर जानना है तो उसके बारे में वो खुद भी जाने और डॉक्टर से बात करें कि आपका ये जो टेक्निक है ये हम पर वर्क नहीं करी, या इस बिहेवियर की बजाय आप किसी और बिहेवियर पर टारगेट कराएं तो ज्यादा बेटर होगा, या आप किसी सीनियर डॉक्टर से मिलें जिनसे आप अपना ट्रीटमेंट बेटर तरीके से ले पाएं। तो होता क्या है कि आप जब छोड़ देते हैं गलत तरीके से अगर ट्रीटमेंट मिला हो तो उससे आपका भरोसा और विश्वास जो है वो टूटेगा और हो सकता है आप दोबारा कभी ईआरपी का ट्रीटमेंट ना लो, क्योंकि आपके मन में एक इमेज बन जाएगी कि ईआरपी तो बड़ा डिफिकल्ट होता है, बड़ा टफ ट्रीटमेंट है, ये तो हम ले नहीं सकते, इससे तो हमारी एंजाइटी बढ़ जाएगी और कई कई दो दो दिन तक भी बनी रहेगी, क्योंकि हो सकता है कोई अनुभव हुआ हो जिसमें आपके दो चार दिन तक एंजाइटी ज्यादा बढ़ गई हो। OCD में अक्सर जब सिम्टम्स ट्रिगर हो जाते हैं तो कई बार दो चार दिन खराब हो जाते हैं, सिम्टम्स बढ़े रहते हैं, दवा भी इतना अच्छा असर नहीं करती उसमें। तो अक्सर लोग जब डर जाते हैं तो ट्रीटमेंट छोड़ देते हैं, ऐसे मत करें। ट्रीटमेंट की साइंस, ट्रीटमेंट के पीछे की साइकोलॉजी को जरूर ध्यान रखें, इसीलिए पहला पॉइंट मैंने क्या बताया था, साइको एजुकेशन। अगर आपको ट्रीटमेंट की साइंस पता होगी तो आप डेफिनेटली उससे फायदा ले पाएंगे। थेरेपिस्ट हो सकता है आपको बदलना पड़े,
बिहेवियर के जो टारगेट हैं हो सकता है आपको बदलना पड़े। इजी तरीके से आप अप्रोच करेंगे, सपोर्टिव तरीके से अगर आपका थेरेपिस्ट आपको कराएगा तो शायद ज्यादा अच्छे से आप कर पाएंगे। तो आसान रास्ते से, आसान तरीके से आप ईआरपी में सक्सेस ले सकते हैं। अगला एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि जो ईआरपी है उसके अंदर सबसे पहले जो सबसे जरूरी होता है वो होता है बिहेवियर में चेंज लाना। बातों से काम नहीं बनता। अक्सर कई बार जब हमें बच्चों के या बड़ों के, जब पेशेंट्स के फैमिली मेंबर्स मिलते हैं तो वो कहते हैं कि बातें तो हम बहुत बता चुके हैं, हम इसको सब बता चुके हैं, ये मत करो, ऐसे मत करो, इसको करने से फायदा क्या होगा, क्या मिल रहा है करके, इतना भी बड़ी बात क्या होगी, इतने भी हाथ धोने की क्या जरूरत है, इतना भी ये करने की क्या जरूरत है। तो बोल बोल के वो इतने थक चुके होते हैं और उनका जो सारा फोकस होता है वो काउंसलिंग का, मतलब एंग्जाइटी और प्रॉब्लम को दूर करने का, बस इसी पर होता है कि बस काउंसिल करो उसको, लॉजिकल बातें बताओ। ईआरपी इस चीज पर बेस्ड है जहां लॉजिक फेल हो जाता है। ओसीडी एक ऐसी बीमारी है जहां लॉजिक फेल हो जाता है, क्योंकि ओसीडी एक एंग्जाइटी की, एक हमारे ब्रेन की प्रॉब्लम है जिसके अंदर सारे लॉजिक गिर जाते हैं। अगर लॉजिक से दूर होती होती ये प्रॉब्लम तो हो चुकी होती। इसके लिए बिहेवियरल चेंज लाना जरूरी होता है। इसके लिए सबसे पहले अपने व्यवहार में, अपने बर्ताव में बदलाव लाना जरूरी होता है। मतलब ऐसा बदलाव की बात नहीं कर रहा कि लाइफस्टाइल का चेंज लाने की बात है, मतलब रिस्पॉन्स प्रिवेंशन, कंपल्शन को रोकना, ये सबसे पहले जरूरी होगा। तो हमारा जो सबसे पहले ईआरपी में फोकस होता है वो बातों पे नहीं होता है, बातों से ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है। ईआरपी एक बिहेवियरल टेक्निक है, बिहेवियर में चेंज लाकर, बिहेवियर थेरेपी है, एक बिहेवियर में बदलाव लाकर कंपल्शन को कम किया जाता है, ओसीडी को, ऑब्सेशन को कम किया जाता है, उससे जो एंग्जाइटी होती है उसको कम किया जाता है। तो अगर बिहेवियर पे फोकस नहीं जाएगा, आपने पढ़ लिया, आपने जान लिया, आपने थेरेपिस्ट से उसके बारे में बेसिक नॉलेज ले ली, घर पे इंफॉर्मेशन लेकर चले गए और फिर कहा हमसे तो हो नहीं रहा, हम तो कर नहीं सकते, हमें समझ तो सब आ गया, हम सब जानते हैं क्या होता है, इंटरनेट से, इतने इधर उधर की जगहों से इतनी इंफॉर्मेशन आजकल मिल जाती है कि पेशेंट कहता है हमें तो भाई सब कुछ पता है, सब आता है, सब पता है, हम पहले पढ़ चुके हैं, क्या नया बता दिया डॉक्टर ने, क्या थेरेपिस्ट ने नया बता दिया, फीस भी चार्ज कर दी और कुछ बताया नहीं नया। पॉइंट यहां नया कुछ अलग बताने का नहीं, पॉइंट यहां पर है कि क्या आपने उस बिहेवियर को, कंपल्शन को बदलने के लिए, रिस्पॉन्स प्रिवेंशन के लिए, क्या आपने वो ईआरपी की एक्सरसाइज की, क्या आपने हायरार्की बनाकर क्या उस पर इंप्लीमेंट किया, क्या अपनी उस एंग्जाइटी को टॉलरेट करने के लिए आपने उस एक्सरसाइज को इंप्लीमेंट किया। जब तक नहीं करोगे तब तक बदलाव नहीं देखने को मिलेगा। इसलिए आप थ्योरी में केवल दूर से, डिस्टेंस से देखकर आप कह सकते हो कि बदलाव तो कुछ आ नहीं रहा, मुझे तो सब कुछ पता है, बट मुझसे हो नहीं सकता, मैं कर नहीं सकता, मुझसे नहीं होगा ये ठीक है, मैं समझ तो गया, बट ऐसे थोड़ी ना होता है, ऐसे थोड़ी ना ओसीडी मेरा दूर हो जाएगा, उससे क्या होगा। हमें थोड़ा करेज के साथ, जोश के साथ, थोड़ा टॉलरेंस के साथ हमें चलना होता है, इम्प्लीमेंट करना होता है और अपने अंदर बदलाव देखने के लिए ताकत से उसका सामना करना पड़ता है। किसका? उस एक्सरसाइज का, जिसमें आप, अगर किसी चीज के प्रति आपका एक्सपोजर किया जा रहा है बिना हाथ धोए या बिना अपने कंपल्शन को परफॉर्म किए, आप अपने को जैसे हैं वैसा मेंटेन कर पा रहे हैं और एंग्जाइटी के बढ़ने से, एंग्जाइटी के जाने को देख पा रहे हैं, उसको नोटिस कर पा रहे हैं और अपने को देख पा रहे हैं कि कुछ बुरा जो आपको लगता है होगा वो हुआ नहीं। जब तक ये इंप्लीमेंट नहीं होगा, जब तक आप एक्चुअल में अपने दिमाग को उस एंग्जाइटी को टॉलरेट करना नहीं सिखाएंगे, उसको आकर उसको जाना नहीं देंगे, जब तक ये चीज दिमाग देख नहीं लेगा, आपका दिमाग, आपकी फिजियोलॉजी, आपकी बॉडी जब तक इस चीज को महसूस, एक्सपीरियंस नहीं कर लेगी, ईआरपी का ज्ञान, ईआरपी के लॉजिक, किसी भी तरीके की बातें, करो मत करो, ये वो, कुछ काम नहीं करेगी। तो करने से होगा, करना जरूरी है इस केस में। कोई भी बिहेवियरल ट्रीटमेंट बातों से नहीं क्योर होता। कॉग्निटिव थेरेपी सोच को बदलने पर फोकस करती है, ईआरपी बिहेवियर थेरेपी व्यवहार को, बिहेवियर को बदलने पर बात करती है। तो बिहेवियर में बदलाव जरूरी है, इसलिए आपका डॉक्टर अगर आपको कहे, आपके थेरेपिस्ट आपको कहें कि ये बिहेवियर में चेंज लाओ, आपके अंदर हिचक, हेजिटेशन, डर, कई सारी प्रॉब्लम्स आप फेस कर सकते हो, रेजिस्टेंस फेस कर सकते हो, पर उन सबको ओवरकम करते हुए ही अगर आप ईआरपी करोगे तो ही बदलाव ला पाओगे, देख पाओगे, तभी आपका भरोसा आएगा। इसलिए पिछली कितनी भी बार आपने किया हो, असर ना आया हो, जब तक एक दो बिहेवियर्स में असर नहीं देख लेंगे, ओसीडी दूर जाने की तरफ नहीं बढ़ेगा, मतलब ओसीडी दूर नहीं होगा, ओसीडी नहीं जाएगा। कंपल्शंस एक दो तीन कुछ ऐसी अपनी चुन लें इजी सी, जिनको आपने ईआरपी के थ्रू दूर किया हो,
हो जाएगा, दिमाग को भरोसा आ जाएगा, सोच में भी बदलाव आएगा, शरीर में स्ट्रेस के एंजाइटी के लेवल्स में भी बदलाव आएगा, दिमाग का रिस्पॉन्स, इमोशनल रिस्पॉन्स भी कम होगा, अंदर से जो रेजिस्टेंस होती है, ऑब्सेशन होती है, वो भी कम होगी, साथ ही साथ आप अपने अंदर एक बेटरमेंट, एक इम्प्रूवमेंट देख पाएंगे। तो ओसीडी जो होता है वो हमारे मन में, हमारे व्यवहार में, हमारे शरीर में बहुत सारे बदलाव ले आता है। वो सारे के सारे बदलाव जो नेगेटिव तरीके के होते हैं, जो स्ट्रेस एंजाइटी से भरे होते हैं, वो जाएंगे तभी जब ईआरपी की जाएगी। ईआरपी में जो कराया जा रहा है वो किया जाएगा। बहुत रोल यहाँ पे थेरेपिस्ट का होता है, बहुत बड़ा रोल होता है। थेरेपिस्ट अगर आपको अच्छे से ईआरपी करा पा रहा है, अगर वो आपको अच्छे से, मतलब पूरे करेज के साथ आपको कॉन्फिडेंस दिला के आपका कंपल्शन दूर करा पा रहा है, आपका ऑब्सेशन कम कर पा रहा है, तो वो थेरेपिस्ट आपको बहुत अच्छी सक्सेस दे सकता है। तो एक ट्रेंड, एजुकेटेड और एक क्वालिफाइड थेरेपिस्ट के पास अगर आप जा रहे हैं तो ही वो आपके ओसीडी में बदलाव लाएगा, सिम्टम कम करेगा ईआरपी के थ्रू। इस वीडियो में मैं इन तीन पहलुओं पर बात की, इस वीडियो को मैं इधर ही खत्म करूंगा। ईआरपी पे बात करने के लिए बहुत कुछ है। इस पूरी वीडियो को, इस पूरे टॉपिक को मैं दो या तीन पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। बाकी के जो पहलू हैं वो मैं आगे की वीडियोस में आपसे डिस्कस करूंगा, क्योंकि काफी सारे पॉइंट्स हैं जो मैंने लिखे हुए हैं, जो मैंने काफी सोर्सेज से भी हेल्प ली है और अपनी भी समझ, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैंने तैयार किए हैं, जो मैं आपसे इन वीडियो की सीरीज में डिस्कस करना चाहता हूं, जिसमें मैं आपको बता पाऊं कि ईआरपी के चैलेंजेस को कैसे टैकल किया जाए, कैसे उसे फेस किया जाए। हालांकि मेरा जो फोकस है वो कुछ मेजर प्रिंसिपल्स पर ही है, मैं पूरा डिटेल में आपसे सारी चीजें डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इस पर बहुत लंबी डिस्कशन चर्चा चाहिए जो मैं कई अलग वीडियोस में दूंगा। पर इस वीडियो के लिए जो कंटेंट मैंने प्रिपेयर किया है, उस कंटेंट के लिए मैं कुछ पार्ट्स में से डिवाइड करूंगा। तो इस वीडियो के लिए मैं इन तीन पॉइंट्स पर फोकस करता हूं। आगे का कंटेंट, आगे की जानकारी आप और वीडियो में लीजिए। इसके बाद जो मेरी एक और वीडियो है उसमें मैं इस बारे में आपको जानकारी दूंगा, तो वो वीडियो देखिएगा। इस वीडियो में जो जानकारी मिली, उम्मीद है आपको उससे फायदा होगा, आपको कुछ अवेयरनेस, कुछ इंसाइट मिली होगी, आपको फायदा होगा, आपका ईआरपी को लेकर भरोसा बढ़ा होगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आपकी एक उम्मीद और आपकी जो आशा है वो बढ़ेगी, ताकि आप बेहतर तरीके से ट्रीटमेंट को अप्रोच करें। तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, वीडियो के नीचे कमेंट करें, कुछ जानना चाहते हैं अगर ईआरपी के बारे में, और साथ ही साथ अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी यूजफुल जानकारी आप और ज्यादा ले पाएं। धन्यवाद।